हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपका एल्डिहाइड कीटोन से बनता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आपके ऐसे आ जाता है कि कोई भी रिएक्टेंट दे दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं आपका, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे ये है। ठीक है, अब ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है दे दिया, इसको कम्प्लीट करो, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ये कीटोन तरीके से है और ये आपका ये दे दिया, कुछ भी दे दें उसके बाद आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो हम इसका मैकेनिज्म्स के साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा एन एस टू पॉजिटिवली चार्ज और यह क्या है ओ एच। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब ये जो एच टू है, इस चीज़ एच, इस एच को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से एच को एच हटा करके, मीन्स ऐसे। ठीक है, अब ये वाला जो पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करेगा, तो फिर ये वाला एच इसके पास चला जाएगा। तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा यहाँ पे ओ एच और यहाँ हो जाएगा आपका एन एच और यहाँ पे आपका ओ एच हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका ये एच और ये ओ एच माइनस ये आपका निकल जाएगा, तो आपका एच टू ओ निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड एन और यहाँ हो जाएगा ओ एच। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा। अब देखो इसी की जगह पे अगर कोई दूसरा रिएक्शन आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ये, अब क्या करोगे, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करना है। ये क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ ये हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ निगेटिवली चार्ज और यहाँ पे आपका सी एस थ्री ऑलरेडी है और यहाँ पर आपका एन एस टू पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी एच टू एंड सी एस थ्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में करोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका सी और यहाँ पर हो जाएगा ओ एच और यहाँ पर हो गया एन एच, यहाँ पे आपका सी एच टू एंड सी एस थ्री, फिर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये आपका ओ एच बाहर रिमूव हो जाएगा। तो आपका देखो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, देखिए आपका ये हो जाएगा डबल बॉन्ड एंड सी एच टू एंड सी एस थ्री, इस तरीके से आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है, अगर ऐसे आता है जैसे प्राइमरी एमीन हो गया, सेकेंडरी एमाइन हो गया, कीटोन के साथ ऐसे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, ऐसे रिएक्शंस कर रहा है, तो इस टाइप के आपका बनेगा फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, ये थे। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देता है, जैसे ये देता है, ठीक है, इसमें कितना भी बड़ा भी एमाइन हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा आपको क्या करना है इसमें, देखिए वही स्टेप बाई स्टेप करना है। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, देखो जैसे करते आते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा ओ निगेटिवली चार्ज और ये आपको पता है, यहाँ पे हो जाएगा एन एच, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको दूर करेगा और यहाँ पे आपका ये है ही ऑलरेडी। ठीक है, इसको आप जैसा है वैसा लिख दीजिए। ठीक है, फिर ये आप देखो यहाँ पे ये है आपका NO2, यहाँ पे आपका NO2। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ पे ओ निगेटिवली, यहाँ पे क्या हो गया आपका ओ एच हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, देखो यहाँ हो जाएगा आपका ओ एच, यहाँ पे आपका एन और एच, यहाँ पे आपका एन एच ऑलरेडी है, ये आपका देखते जाइए बस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। कितना भी बड़ा भी कोई रिए, अगर आपको स्टेप आता है, कितना भी बड़ा रिएक्शन दे दें आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका यही होगा, ठीक, देखो इसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर इस तरीके से आपका ये ओ एच बाहर निकल जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड एन और ये आपका हो गया एन एच, ये हो गया आपका यहाँ पे एन ओ टू। ठीक है, यहाँ पे आपका एन ओ टू, इस तरीके से क्या होगा आपका,
प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप पता रहेगा क्या है करना है, कोई भी हो एल्डिहाइडो फॉर्मल डिहाइडो कीटोन कुछ भी हो प्राइमरी में सेकेंडरी में, तो स्टेप आपको आना चाहिए कैसे अटैक करेगा कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।